हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पिट्टू क्रिच पे एक बार फिर से, है ना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है अमीर वर्सेस गरीब। दोस्तों हमारे देश, हमारा जो भारत देश है, उस देश की समस्या है सिर्फ और सिर्फ गरीबी, है ना। कि हमारे भारत देश में बोला जाए तो आज पूरा भारत देश नंबर वन की गिनती में आता है बेरोजगारों की लिस्ट में, है ना। जिसमें देखना MBA, BTech, MTech, MSc, पता नहीं कितना पढ़ाई किए किए उस लिस्ट में आते हैं। जो आजकल चपरासी की लाइन में फॉर्म भरते हैं, पता नहीं बहुत सारे लाइन में फॉर्म भरते हैं। अभी लॉकडाउन पे तो 5 साल तक कोई भी वैकेंसी ढंग से आने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत गरीबी की बातें, जो बहुत सारे पढ़ाई लिखे की हैं लेकिन आज के डेट में भी बेरोजगार हैं, ठीक। अब बेरोजगार होने का कावड़ क्या है सबसे पहले बता देता हूँ। आज का जो युवक है, ठीक, आज का युवक पढ़ाई करता है 8वीं तक तो चलो फ्री में पास कर दिया जाता है, है ना। उसके बाद उसको आगे का पढ़ाई करना रहता है 9वीं 10वीं। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग घूस दे के पास हो जाते हैं, कुछ लोग नकल मार के पास हो जाते हैं, जैसा नहीं, ठीक। उसके बाद ऐसे करते करते 10वीं बहुत सारे लोग खेलों के साइड हो जाते हैं। अक्सर गांव के बच्चों को मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं कि 10वीं जैसे ही पास हो गए या फेल हो गए तो उसके बाद वो लोग काम में जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? उनके पास इनकम का साधन नहीं रहता, है ना। मम्मी पापा से मांगते हैं लेकिन उनके पास भी उतना पोटेंशियल हो नहीं पाता कि उनको पैसा दे सके, है ना। इसलिए वो लोग काम पे चले जाते हैं, ठीक। कुछ बच्चे होते हैं जो 11वीं 12वीं का पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ लोग 12वीं पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, कुछ लोग 12वीं पढ़ने के बाद कुछ अपना करियर बनाते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं, ठीक। तो आज के मार्केट में बोला जाए तो कंप्यूटर एक ऐसी शिक्षा है जिसको बोला जाए तो आप अगर कॉलेज करो या ना करो, आगे पढ़ाई करो या ना करो, आपको कंप्यूटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे बताऊँगा? कंप्यूटर दोस्तों एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक जगह है जहाँ से आप विदाउट एनी फॉर्म, विदाउट एनी चार्जेस का, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बार कंप्यूटर का पढ़ाई करके उसके बारे में सीख के आप अपना कहीं भी एक सेंटर डाल सकते हो, सीएससी सेंटर डाल सकते हो, है ना। लाइक दैट आधार कार्ड बनाने का काम कर सकते हो, पिन कार्ड बनाने का काम कर सकते हो, बहुत सारा फॉर्म्स होता है कॉलेज का वो अप्लाई करना सीख सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर की लाइन में, है ना। बैंकिंग का काम कर सकते हो, पैसा निकालने का, देने का, लेन देन का काम कर सकते हो, है ना। तो उस मामले में जाओगे तो आप सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप 10वीं या 12वीं पास हो गए तो आपको कंप्यूटर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक। और बात किया जाए दोस्तों कंप्यूटर का, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा DCA कर लो, PGDCA कर लो, PGDM कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हर कोर्स आज मार्केट के डेट में एक चाना मुर्रा हो गया है। आज के डेट में बात करूँ तो टॉप लेवल में जो आज कोर्स चलता है, आज इंडिया का नंबर वन कोर्स जिसको बोलते हैं IT, इस तरह नंबर वन कोर्स, IT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसका पढ़ाई आज पूरा ऑल ओवर इंडिया में आज नंबर वन पढ़ाई माना जाता है, और जिसका पढ़ाई आज नंबर वन पोजीशन पे करा रहा है तो उसका नाम बोला जाता है दोस्तों एक ब्रांड नेम है जिसको बोला जाता है APLL, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड। एक लिमिटेड जगह दोस्तों जिसका 85% काम गवर्नमेंट किया नियम और रूल से होता है, 85% और 15% काम इस जगह के मैनेजमेंट से होता है जिसको बड़े बड़े लोग मैनेज करते हैं, ठीक। जिसके डायरेक्टर की बात किया जाए तो आज कमल सिंह सर जी हैं इसके डायरेक्टर, ठीक, और भी बहुत सारे 2-3 साल लोग और हैं, ठीक। आप अगर इंटरनेट पे गूगल में सर्च मारेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपके फोन में आ जाती है, ठीक। हालांकि बहुत सारे निगेटिविटी भी मार्केट में आती है, ना, जैसे मार्केट में कुछ अच्छा चीज़ लॉन्च होता है तो उसके बारे में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, ठीक। तो हमको क्या करना है, जिसके तरफ ज़्यादा वोटिंग रहता है, जैसे अच्छाई पे ज़्यादा वोटिंग है तो उसी को ज़्यादा मत दिया जाता है, बुराई पे ज़्यादा वोटिंग है तो बुराई को मत दिया जाता है। सेम दैट वैसे ही इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा अच्छाई मिलता है तो आप इसको वोट कीजिए, बुराई मिलता है तो आप इसको वोट कीजिए, ठीक। ये हो गई दोस्तों एक रोज़गार और स्वरोजगार की बात, और बात करते हैं बेरोजगार कैसे अपना करियर बना सकते हैं, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं अमीर लोगों की, ठीक। अमीर लोग हमारे भारत देश में बहुत ही कम पाए जाते हैं, आप जानते होंगे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, है ना, जैसे रतन टाटा, आदित्य बिरला, मुकेश अंबानी, ये सब क्या है, उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, क्या करके, बिजनेस। लेकिन दोस्तों बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए पता है आपको, ये क्या बोलते हैं, पैसा, सबसे पहले पैसा होना चाहिए। अब बोलते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यस नो, ठीक। तो पैसा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद बोलते हैं सबसे बड़ा चीज़ जिगर होना बहुत जरूरी है, जिसके पास जिगर नहीं ना दोस्तों वो बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन हम बात करते हैं, हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, यस नो, लेकिन हमको दो पैसा कम से कम कमाना है तो हमको कोई छोटा जरिया होना चाहिए जहाँ से हमको दो पैसा आ जाए, ठीक। तो बात करते हैं दोस्तों अमीर लोगों के, बच्चे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे हुए तो करियर बना लेंगे, नहीं हुए तो भी करियर बना लेंगे, क्यों, बाप का बिजनेस है उसी को संभाल लेंगे, यस नो, और क्या है। और गरीब के बच्चों क्या रहता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता, पढ़ाई लिखाई अच्छे निकल गए तो कहीं करियर बना लेते हैं, नहीं तो अपने तो खेती बाड़ी है ही, है ना, ऐसा होता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी इंसान को अगर करियर बनाना है मार्केट में, अभी लॉकडाउन टाइम पे कोई अच्छा अपना करियर बनाना चाहता है, खुद का खर्चा मेंटेन करना चाहता है, तो मैं एक रास्ता बता सकता हूँ जिस रास्ते पे वो इंसान चल के आगे बढ़ के अपने करियर बना सकते हैं, जहाँ से बहुत सारे बच्चे लोग अपने करियर बना पा रहे हैं, ठीक। तो बात कर लेते हैं दोस्तों उस जगह का, तो उस जगह का बात की जाए तो उस जगह का नाम होता है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लिमिटेड, एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जो बात की जाए आज पूरा ऑल ओवर इंडिया में आज नंबर वन तरीके से काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ तक बात की जाए तो उस नंबर वन पोजीशन पर काम करते हैं, साथ साथ आज इस जगह से 40 से 50 लाख लोग इस जगह से आज काम करके अपना करियर बना रहा है, ठीक। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ एडमिशन करीब मेरे को 2 साल कंप्लीट हो चुका है, एडमिशन हुए, है ना, यहाँ से मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, है ना, साथ साथ खुद का खर्चा भी आज मेंटेन करते हैं, मम्मी पापा से जो खर्चा लेना पड़ता है वो नहीं लेते हैं, है ना। आपको भी लगता है कि मैं अपना खर्चा खुद से मेंटेन करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो आप एडमिशन लेके अपने काम की स्टार्टअप कर सकते हैं। और इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए इस काम के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा,
ठीक, और वेबसाइट का नाम छोड़ दूंगा, उसमें आप सर्च करके इंटरनेट में गूगल में देख सकते हैं ठीक। और इसके बाद कोई भी डाउट्स लगता है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो ओके ठीक। ये हो गई, उसके बाद बात करेंगे अगला चीज़ का, तो फिलहाल अमीरी गरीबी। आजकल का अमीरी कैसा है दोस्तों, अमीर के नीचे मजदूर लोग काम करते हैं है ना, और बात की जाए गरीबों का कोई सोच नहीं रहता। अमीरों को देखा जाए तो अमीर के पास अगर 10 रुपया है ठीक, 10 रुपया क्या करेगा, क्या करेगा, जुए में उड़ा देते हैं। एक अमीर का बात है, दूसरे अमीर क्या करेगा, 10 को 100 बनाने में लगेगा। तीसरा अमीर क्या करेगा, कुछ खरीद के खा लेगा। तो इससे क्या समझ में आता है, पहला जो अमीर है, जो पहले वाला बताया जो 10 रुपया उसको जुए में खर्च कर देता है, वो क्या है, बहुत ही डेंजर खतरनाक अमीरी है ठीक, जिससे इंसान गरीब बन सकता है। दूसरा अमीरी दोस्तों, जिसको इंसान 10 रुपये से 100 रुपये बना रहा है, मतलब कुछ दिमाग लगा के अपने बड़ा इन्वेंशन करके अपना उस पैसे को डेवलप कर रहा है, तो बड़ा प्लेटफॉर्म पे जाएगा, इसको बोलते हैं बड़ा अमीर ठीक। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है एकदम थर्ड पार्टी, जो कमाएगा खाएगा, वो गरीब की पोजीशन पे आ जाता है, एक मजदूर कमाएगा फिर खाएगा, फिर खाएगा फिर कमाएगा, ऐसे कंडीशन होता है, मतलब आज पैसा आया कल खर्च, कल पैसा आया परसों खर्च, ऐसा होता है ठीक। तो ऐसा आपको अपनी लाइफ में नहीं करना है, क्या करना है, एकदम फैमिली को सिक्योर करके काम करना है, आगे बढ़ना है, यस और नो ठीक। और आगे बात करूँगा मैं तो दोस्तों, आपको कुछ डाउट होगा तो और भी पूछ सकते हैं है ना। और यहाँ तक बात करेंगे अमीर वर्सेस गरीब, तो फिलहाल इतना ही बोलूँगा। अमीर लोग क्या होते हैं दोस्तों, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, गरीब लोग के पास क्या है, कुछ रहता नहीं, क्या खरीद के खाएंगे बताओ भला। यहाँ तक कि अभी लॉकडाउन के पोजीशन पे खाने के लिए खाना ढंग से मिलता नहीं है, रेलवे स्टेशन में जाके देखो, रेलवे स्टेशन में अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो था बहुत सारे भिखारी लोग भीख मांगते थे ठीक, ऐसा पोजीशन हो गया। अगला सेशन में बात करूंगा और इस बारे में और चर्चा करूंगा, फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप करके जा रहा हूँ। अगला सेशन देखने के लिए अगला पार्ट में मिलेंगे ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपको अपने लाइफ में जरूर सक्सेस मिलेगा।